नमस्कार अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है कॉन्ट्रोवर्सी जॉनसन एंड जॉनसन उनके टालकम में एज बे था बिकॉज ऑफ विच समीमेल्स हार्ट ओवेर कैंसर ऐसा कुछ था yes. तो रिसर्च में पाया गया इतने सालों तक ये चीज होते गई तो एज अ कंज्यूमर

हमें नहीं पता कब क्या आ जाए है ना सो इट इज़ लिमिट योर एक्सपोजर जब मेरे पास पेरेंट्स आता है यंग पेरेंट्स के डॉक्टर हम बच्चों को क्या लगाएं है ना हम अभी से सब कुछ लगाना शुरू कर दे no. नो नहीं, अच्छा। नहीं आपको मोस्ट इसेंशियल करना है जैसे क्या? आपको जैसे कि अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही है माई प्रेफरेंस अ बाथ ऑयल ऑयल बाथ ऑयल्स क्या तो होते हैं बाथ ऑयल्स अ बॉडी वॉशेज बट उनमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, है? तो वो एक नेचुरल परत छोड़ते हैं जब आप नहाते हो उससे तो एक नेचुरल परत छोड़ते हैं बहुत बाथॉइल्स आते हैं मार्केट अच्छा। में दे विल बी कोकोनट मोस्टली कोकोनट ऑयल बेस्ड होते हैं राइट और ये सेफ होते हैं तो आप इससे नहाइए ताकि आपको अलग से एक मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि आप देखिए बच्चा है बहुत छोटा सा है ठीक है उसके अंदर उसका जो बॉडी सर्फिस एरिया है उस पर आप जो भी लगाओगे अगर पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगा रहे हो बाय नेचर कुछ चीज़ें एब्जॉर्व हो सकती हैं अंदर सो फॉर माय बेबी आई विल अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्रीम्स ऑन होल बॉडी आई गिव हर अ बाथ ऑयल के ऊपर से स्किन में जो डर्ट चिपका है वो निकल भी जाए और उसको थोड़ा मॉइस्चर भी मिल जाए ताकि मुझे एक मॉइस्चराइजर उसकी पूरी बॉडी पर ना लगाना पड़े और उसकी बॉडी से हर चीज़ अब्जॉर्ब न हो क्योंकि मैं रोज़ करूँगी दिन में शायद दो बार करूँगी उसके बाद टेलकम पाउडर्स तो वैसे ही डॉक्टर्स मना करते हैं चाहे पे डाक्ट्रिशन हो चाहे डर्माटोलॉजिस्ट हो वी आस्क यू नॉट टू अपलाई पाउडर्स फॉर फॉर डेबी फॉर एनी बडी यू इनहेल दैम आप इनहेल कर रहे हो उसमें सिलिका हो सकता है उसमें एसबेस्टोस हो सकता है और वो सब डिपॉजिट हो रहा है आपकी जो लंग्स है उसमें बहुत ही कम कैपेसिटी है कि वो इन सबको हटाए so, so, यूज़ नहीं करना, नहीं चाहिए। करना है बिल्कुल भी नहीं करना है uh -huh. किसी भी चीज़ के लिए mm -hmm. साफ़ रखना है तो कपड़े से साफ़ रखो टेलकम से नहीं रखना है यू mm नो -hmm. you know? um, तो बच्चों के लिए सिर्फ आप बहुत ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं और फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें okay, आपको okay. देखना है फिजिकल सनस्क्रीन वो होती हैं आपकी स्किन के ऊपर पड़ी रहती है दे नॉट रियलीज्जॉर्बड एंड दे लाइक शील्ड अपने देखा क्रिकेटर्स लगाते हैं दैट्स प्योर जिंक ऑक्साइड राइट right? बिकॉज mm -hmm. उनको इतनी बार लगानी पड़ती है और वो थोड़ा हाई प्रोटेक्शन भी देती है mm -hmm. क्योंकि अगेन एसला के अम्ब्रेला जो आपने mm -hmm. लगा दिया अपनी mm -hmm. स्किन पे तो बच्चों के लिए हमें वो लगाना चाहिए आजकल माइक्रोनाइज्ड जिंक आता है मतलब आपने अभी भी देखा होगा क्रिकेटर्स वो कम लगाते हैं क्योंकि अब वो लोग भी माइक्रोनाइज जिंक ऑक्साइड यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड एक ऐसा मोलिकूल है जो आपकी स्किन पर रहता है और सन को रिफ्लेक्ट करते रहता है ताकि वो आपके डी को हार्म ना करे राइट आपको बर्न ना करे तो जब आप बच्चों को बाहर ले जाते हैं पार्क में आप उसे एक घंटा छोड़ रहे हैं धूप में या आप उसे स्विमिंग ले जा रहे हैं या फिर आप उसे बीच हॉलीडे पे

ठीक है ऑर्गेनिक सनस्क्रीन केमिकल सनस्क्रीन ऑर्गेनिक सनस्क्रीन सनस्क्रीन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल्स ही तो आते हैं हाँ, लेकिन जैसे है जाता है कि नहीं you know, nice. हेल्थी nice है पर है तो केमिकल ही ना हाँ? है ना मतलब केमिकल्स को हम बैड मान रहेनिक को गुड मान रहे हैं ऑर्गेनिक बाई नेचर सब केमिकल्स ही है ठीक है आप उसे सेफ मान रहे हो ये आपका प्रेरोगेटिव है ठीक है ये आपका परसपेक्टिव है बट ऐसा ऐसा नहीं है तो ऑर्गेनिक सनस्क्रीन होती है जो जिसमें ऑर्गेनिक लिखा होगा वो नहीं यूज करनी है वो केमिकल सनस्क्रीन हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ठीक है ऐसे तो कुछ ब्रांड तो कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है और जो इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन है मतलब मिनरल बेस्ड जिसमें केमिकल्स नहीं हैं वो है जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम डाइऑक्साइड और आजकल अब आयरन ऑक्साइड भी आ गए तो ऑक्साइड्स वाली सनस्क्रीन आपको देखनी है फोटोन okay. जियो के नाम से आती है सनस्टॉप uh, मिनरल सनस्क्रीन के नाम से आती है सानोसन बेबी सनस्क्रीन के नाम से आती है बहुत सारी सनस्क्रीन है आपको सिर्फ आर फॉर बेबीज़ दीज आर फॉर बेबीज फॉर प्रेगनेंट वुमेन यू नो जिनको केमिकल्स एब्जॉर्ब नहीं करवाना है uh, ठीक है uh, जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है उनको ऐसी सनस्क्रीन चाहिए जिनकी केमिकल्स जिनको प्रॉब्लम ना दे oh. उन सब के लिए इनऑर्गेनिक और मिनरल सनस्क्रीन आर गुड तो बच्चों में ये दो चीज़ें इसेंशियल करनी चाहिए जब आपका बच्चा बिल्कुल पैदा होता है तो आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं उसको दैट इज सीन के क्योंकि उसमें लॉरिक लॉरिक एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है वो बच्चों का

उसमें प्रोसेसिंग कम होती है तो वो गाढ़ा नहीं पड़ेगा विंटर्स में एक सिंपल hmm. लेमैन वे में hmm. कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो राइट तो वर्जन कोकोनट ऑयल जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है और वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है आ, जो सेम फॉर द हेयर या ऑलिव ऑयल बहुत बहुत लोग करते हैं ऑलिव ऑयल से मालिश वो एक्चुअली uh, स्टडीज़ में देखा गया कि वो आपकी स्किन बैरियर को ख़राब करती है तो वो हम स्किन के बैरियर को मतलब हमारी स्किन में सेल्स होते हैं और उनके बीच में सीमेंट होती है और ऐसे वो चिपके हुए होते हैं दूसरे से राइट कैसे कैसे हाँ जैसे ब्रिक्स होती है हाँ, ब्रिक्स के बीच तो में सीमेंट है तो अब वो पूरी वॉल हमारी स्किन है ओके ठीक है तो वो जो बीच का सीमेंट है उसको हम स्किन बैरियर कहते हैं ओके ठीक है जो सेल्स को पकड़ के रखती है ठीक है और वो बैरियर अगर डिजोल्व होगा तो अंदर की चीज बाहर आएगी बाहर की चीज़ अंदर जाएगी ठीक है तो बाहर की चीजें अंदर जाएगी तो एलर्जीज होंगी और अंदर की चीज़ बाहर आएगी मतलब पानी बाहर आ गया तो डिहाइड्रेशन होगा ड्राइनेस होगी स्किन में राइट तो हमें बैरियर को बचा के रखना बहुत जरूरी है और ओलिव ऑयल इस बैरियर को तोड़ता है इस सीमेंट को गलाता है But right. it's widely used look at it it's widely used but there are studies on that so we don't recommend as dermatologists no dermatologist will tell you to use olive oil and mm -hmm. uh, coconut sabse safe hai right almond oil or uh, mustard oil ऑयल ये दो भी चीज़ें हैं जो हम बहुत कॉमनली इंडिया में यूज़ करते हैं बट इनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं आइसो थायोसाइनेज mm -hmm. जो आपको धूप से, से सेंसिटिव करते हैं mm -hmm. तो, ओवर ईयर्स अगर आप मस्टर्ड लगा रहे हो अपने स्किन पे hmm. थोड़ा भी सन एक्सपोजर हो रहा है या एलमंड लगा रहे हो तो आपकी स्किन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डार्क हो सकती है okay. क्योंकि वो सनरे को ज्यादा पकड़ रहा है अगर एक बार डार्क हो गई इट कैन गो बैक टू इट्स नेचुरल टोन डिपेंडिंग के काँग? वो टैनिंग है uh -huh. या कोई बीमारी है ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जिसमें स्किन का कलर काला होता है उसमें बहुत मुश्किल है रिवर्स करना जैसे आलमंड ऑयल और मास्टर्ड ऑयल से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस टोसिस दरा स्ट लाइकन प्लिनस पिगमेंट okay. ठीक है इसमें बाकी बॉडी बो, बिल्कुल फेयर है और एकदम से आपको स्किन या ये डार्क दिखता है बहुत स्टडीज़ कहती हैं कि आलमंड और मास्टर्ड ऑयल से यह बढ़ सकती है एंड वी हैव सीन केसेज ऑफ इट एंड uh, इसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है ऑलमोस्ट नामुमकिन है अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें